हर किसी के पास इनफ टाइम है अपने बारे में सोचने का, अपनी फिटनेस ब्यूटी पर फोकस करने का, जो डेली रूटीन वाली लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्वारंटाइन में अपनी स्किन को कैसे निखारें, और अगर आपके दिल में भी कहीं यही चाहत छिपी हुई है कि काश आपकी स्किन भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसी ग्लोइंग होती, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बॉलीवुड में अगर यंग ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस की बात करें तो जुबा पर जो नाम आते हैं वो है अनन्या पांडे, जानवी कपूर, तारा सुतारिया और आलिया फर्नीचर वाला। ये सभी एक्ट्रेसेस अक्सर बिना मेकअप के स्पॉट हो जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत नजर आती है। हाल ही में अनन्या पांडे ने अपनी नेचुरल ब्यूटी का राज बताया है। जी हाँ, अनन्या पांडे जो इन दिनों क्वारंटाइन में अपनी स्किन का पूरा ख्याल रख रही हैं और फैंस के साथ भी अपने ब्यूटी सीक्रेट शेयर कर रही हैं। मिस पांडे अक्सर ही बिना मेकअप के स्पॉट हो जाती हैं, जिसमें उनकी फ्लॉलेस स्किन हमेशा ही चमकती हुई नजर आती है। लेकिन अब अनन्या ने अपने ग्लोइंग स्किन का राज बताया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चेहरे पर फेस मास्क लगाए हुए लोगों को इसके बारे में बताती नजर आ रही हैं। So these three ingredients actually separately and together as well have a lot of properties and nutrients and vitamins and minerals in them that help your skin. They give you that glow. They make sure that your skin is clean and cleansed and fresh looking and you know bright and vibrant. It definitely every time after I've used this face mask on my face, I felt my skin kind of, you know, glowing and tinted, and everyone always asks me like what I've used, and it's always this. So I'm just mixing it right now. Instagram account पर शेयर किए गए इस वीडियो में अनन्या ने इस फेमस मास्क के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। इस मास्क को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, दही, हल्दी और शहद। तो इस क्वारंटीन टाइम में अपनी त्वचा को निखरा हुआ बनाने के लिए आप भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पीच कलर के बाथ गाउन को पहने अनन्या इस फेस मास्क को बनाने का तरीका बता रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस मास्क को केवल 15 मिनट तक ही लगाना चाहिए, नहीं तो हल्दी के निशान चेहरे पर पड़ जाते हैं। एल इंडिया ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अगर आप भी अनन्या पांडे का फेस मास्क ट्राई करना चाहते हैं और इसे बनाना सीखना चाहते हैं, तो एल इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर इसे देख सकते हैं। बता दें, अनन्या इन दिनों घर पर रहकर पेंटिंग करने में समय बिता रही हैं। वहीं अपनी बहन के साथ कुकीज भी बनाते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर रही हैं। तो ये थी अनन्या पांडे से जुड़ी एक खास खबर। आप हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस्मस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।